अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू funboy.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट फ्री फायर गेमिंग रिव्यू करने वाला हूँ रियलमी C11 का। आज से कुछ दिन पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह भी अपलोड करी थी, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेकआउट कर लेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ पहले बेसिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ इस मोबाइल फ़ोन की। यहाँ पर मैंने N22 बेंचमार्क ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका स्कोर है वो है 1,06,000 के आसपास। अगर मैं डिटेल्स आपको दिखाऊं तो यहाँ पे प्रोसेसर लगाया गया है हीलियो G35 का, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी हद तक एक अच्छा प्रोसेसर है और काफ़ी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। हीटिंग वगैरह कैसी है, कैसा वर्क करता है, ये तो आज की वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं अपने पास फ्री फायर को भी ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे बताते चलें कि अगर आप रेडमी 9 या फिर किसी भी स्मार्टफोन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं तो funboy.com को ज़रूर विज़िट कर लेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ फ्री फायर की, कि फ्री फायर कौन सी सेटिंग्स में चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रा सेटिंग्स पे चल रहा है फ्री फायर, और यहाँ पे भी मैक्सिमम ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे मैक्सिमम ऑप्शन सेलेक्ट करे हुए हैं ताकि इसको सही से टेस्ट किया जा सके कि आपको एक्चुअल में किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे मैं गेम प्ले स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत जल्द कॉल ऑफ ड्यूटी और इसके अलावा मैं पबजी लाइट का और भी बहुत सारे गेम प्ले अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लेगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर देगा, और आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, उम्मीद आप पूरा कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर लॉबी के अंदर हैं, चेक कर लेते हैं लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप वगैरह है या नहीं है। तो लैग तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। कलर्स यहाँ पे काफी अच्छे आ रहे हैं और यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो यहाँ एरोप्लेन वाले पार्ट के अंदर भी लैग वगैरह नहीं है और फ्रेम ड्रॉप भी नहीं है। यहाँ पे नो डाउट ग्राफिक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और यहाँ पे कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है। हल्का हल्का सा गेम जो है वो फ्रेम ड्रॉप कर रही है।
सो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट का टाइम हो चुका है। गेम तकरीबन हम लोगों ने 4:15 बजे स्टार्ट करी थी और अभी 4:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट के अंदर मैंने काफ़ी हद तक गेम को खेला है और यहाँ पे गेम काफ़ी स्मूथ चली। इतना ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप वगैरह या फिर लैग वगैरह का कोई सीन नहीं था क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट की डिवाइस है। तो यहाँ पे आप जिस तरह की गेमिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक नॉर्मल गेमिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से इस डिवाइस के ऊपर नॉर्मल से बढ़ के आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिली है। क्योंकि और उसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है और डिवाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी हीटअप नहीं हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं हुई है। और फ्री फायर तो काफ़ी हद तक इस डिवाइस के ऊपर अच्छा चल गया, लेकिन पबजी और बाकी सारे गेम्स कैसे चलते हैं, एस्पर 9, कॉल ऑफ ड्यूटी, अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा क्योंकि इसके गेम प्ले बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। किसी भी स्मार्टफोन से मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो foonboy.com को ज़रूर विजिट कर लेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।